हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग कॉल। ट्रेडर्स, आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं 4 से 5 इंट्राडे स्टॉक्स जो कल के लिए रहने वाले हैं, जिनमें कल एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो उनकी पूरी डिटेल एनालिसिस करके हम लोग देख रहे होंगे कहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, साथ में किस तरीके का प्रोजेक्शन अभी हमारा स्टॉक्स कर रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो ये रहने वाली। ट्रेडर, जो सबसे पहला स्टॉक है जो कल के लिए रहेगा वो हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इसकी 15 मिनट की कैंडलस्टिक्स हम लोगों ने लगाई हुई हैं। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, नीचे वाली लाइन बहुत ही अच्छी सपोर्ट लाइन बनी हुई है। अभी इसके अंदर ही काफ़ी अच्छे से ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें अभी सिर्फ नीचे के लेवल्स दिए गए हैं, क्योंकि अभी सिर्फ नीचे के लेवल्स के लिए ही हमें ट्राई करना है। तो इसमें क्या है, इस वाले लेवल के हिसाब से हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी। पहले अपने टाइम फ्रेम को 15 से 5 पे चेंज करेंगे, उसके बाद कोई भी अच्छी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक इस वाले जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी तो वहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। यूजली हम अपने पहले दूसरे लेवल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। इसमें ट्रेडर्स ऊपर की साइड भी एक अंदर ट्रेड ले जा सकती है ब्रेकआउट ट्रेड से हटके, तो वो इस तरीके से होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर इसके ऊपर कोई अच्छी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक क्लोजिंग देती है तो वहाँ पे हमारी एंट्री आप एक्सक्यूट कर सकते हैं, और टारगेट इजली आप इस वाले जो ट्रेंड लाइन ऊपर मैंने ड्रॉ की हुई है रेजिस्टेंस लाइन वहाँ तक कर रख सकते हैं। तो इसमें ऊपर की साइड भी एक काफ़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है। तो ऐसी कोई ट्रेड एक्टिवेट होगी तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी नीचे के लेवल्स के लिए हम बहुत ही अच्छी ट्राई कर रहे होंगे। ट्रेडर्स, ये था हमारा पहला स्टॉक जो कल के लिए रहेगा। वहीं अपने दूसरे स्टॉक की बात करें ट्रेडर्स, जो कल के लिए रहने वाला है वो हमारा बायोकॉन लिमिटेड का। इसमें भी जस्ट पिछले वाले स्टॉक की तरह जो था हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला, उसी तरीके का कुछ प्रोजेक्शन इसमें भी देखने को मिला हुआ है। ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन, नीचे वाली सपोर्ट लाइन, इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेशन, और इसमें भी अभी 15 मिनट की कैंडलस्टिक्स लगी हुई है, तो पहले इन्हें 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज कर लेंगे ट्रेड कर लेने के लिए। और कोई भी अच्छी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर या इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देगी तो वहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, और इजली हम अपने पहले दूसरे लेवल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। ट्रेडर्स, तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक। वहीं पर तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो हमारा सन फार्मास्यूटिकल्स का। इसका ऑलरेडी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक्स लगी हुई हैं। ऊपर वाला जोन है बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जो नीचे वाला जोन है बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो इसमें भी अभी हमारी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो इसमें भी ट्रेड करेंगे तो कोई भी अच्छी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक इस वाले जोन के ऊपर या इस वाले जोन के नीचे क्लोजिंग देगी तो वहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी। इसलिए हम अपने पहले दूसरे लेवल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अपने चौथे स्टॉक की बात करें ट्रेडर, जो कल के लिए रहेगा वो हमारा विप्रो लिमिटेड का। इसमें भी काइंड ऑफ पहले वाले स्टॉक की तरह ही कुछ प्रोजेक्शन देखने को मिला हुआ है, तो इसमें भी सेम तरीके से ही हम इसमें अपनी ट्रेड को एक्सक्यूट कर रहे होंगे। तो ट्रेडर्स, ये हैं चारों स्टॉक जो कल के लिए रहने वाले हैं, इनमें एक अच्छा प्रॉफिट हमें कल देखने को मिल सकता है। वो पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ट्रेडर्स।